शांति अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो, तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, आज का अभ्यास 1 सेकंड में क्या करो? पूर्वज स्टेज में स्थित हो जाओ परम धाम में बाप के साथ, और सारे विश्व को क्या बन जाओ? पहले लाइट हाउस, दीप स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, दीप घर, ऐसा दीप घर बन जाओ, ऐसा दीप स्तंभ बन जाओ, ऐसा प्रकाश स्तंभ बन जाओ, ऐसा लाइट हाउस बनकर सारे विश्व की आत्माओं को क्या दो? लाइट दो। लाइट अर्थात लाइट के कितने अर्थ है? कम से कम 10 अर्थ है लाइट के। सबसे पहला लाइट अर्थात प्रकाश, आलोक, रोशनी। सारे विश्व को रोशनी दो, क्योंकि विश्व में क्या छाया है? घोर अंधकार, अज्ञान का अंधकार। अज्ञानंद तिमिरंदस्य, तिमिर है तामस, तमस प्रकाश। दूसरा अर्थ, आत्माएं भारी है, उनको क्या करो? लाइट बनाओ। किसने भारी कर रखा है संसार में? सबसे भारी वस्तु कौन सी है?
पाप। संसार में सबसे भारी क्या है? पाप। लाइट दो। तीसरा लाइट करंट, बिजली का झटका, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट अर्थात करंट। महावाक्य है बाबा के, जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसको तुम करंट देते हो। तो लाइट का एक अर्थ है करंट। उसके बाद में लाइट अर्थात ज्ञान। लाइट किसको कहा जाता है? ज्ञान को कहा जाता है। उसके बाद लाइट अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग। आत्माओं को क्या देनी है? समझ। आत्माओं को क्या देना है? ज्ञान। कौन से छींटे डालो? ज्ञान के छींटे डालो। समझ। लाइट अर्थात सुबह। द लाइट हैज कम। उजाला। उजाला अलग, सुबह मॉर्निंग। प्रकाश अर्थात प्रकाश। सुबह को भी इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। पोएट्रीज में सुबह के लिए लाइट प्रकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। द लाइट हैज डॉन्ड अर्थात सोजरा, सुबह हुई है। मॉर्निंग के लिए, क्योंकि रात बहुत अंधियारी थी और सभी आत्माएं रात में हैं, उनके जीवन में वह सुबह हम ही से आएगी। तो लाइट अर्थात सुबह लानी है उनके जीवन में। उसके बाद में लाइट अर्थात लाइट हाउस। लाइट अर्थात लाइट हाउस, प्रकाश घर, दीप घर, प्रकाश स्तंभ। तो आज सारे दिन भर ये ड्रिल करनी है। कितनी बार? कल कितनी बार की थी? ज्यादा ही हो गई। तो आज भी 8 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक ये ड्रिल करनी है। हर घंटे में एक एक बार, मैं दीप स्तंभ हूं, मैं प्रकाश स्तंभ हूं, मैं दीप घर हूं, मैं लाइट का घर हूं, मैं लाइट हाउस हूं, और मुझसे चारों ओर लाइट फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, आलोक फैल रहा है, करंट जा रही है, ज्ञान फैल रहा है, समझ फैल रही है, रोशनी फैल रही है, सुबह फैल रही है। लाइट अर्थात एनलाइटनमेंट। अगला अर्थ है लाइट का एनलाइटनमेंट अर्थात अवेकनिंग। अवेकनिंग अर्थात जागरण। आत्मा जागृत हो रही है, पुनः जागरण हो रहा है, ज्ञानोदय हो रहा है, ज्ञान का उदय। तो जागरण हो रहा है, एनलाइटनमेंट। जैसे महात्मा बुद्ध को उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे कहा जाता है एनलाइटनमेंट हुआ, एकदम से प्रकाश आ गया। बौद्ध धर्म में कहते हैं संबोधि, संबोधि प्राप्त हुई, एनलाइटनमेंट। जेन में कहते हैं केंशो, केंशो। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं बी एटीट्यूड। हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं समाधि, संपूर्ण ज्ञान। जैन में कहते हैं केवल ज्ञान, केवल ज्ञान या कैवल्य। तो वो कैवल्य की अवस्था, वो केवल ज्ञान की अवस्था, वो एनलाइटनमेंट की अवस्था, वो बीएटीट्यूड की अवस्था, वो रैप्चर की अवस्था, वो एक्स्टेसी की अवस्था, वो जागरण की अवस्था, एनलाइटनमेंट हो गया। एकदम से प्रकाश आ गया, एकदम से समझ में आ गया, ये असार है, ये सार है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण नहीं है। ज्ञान अर्थात अगला अर्थ दिव्यता, डिविनिटी। ज्ञान का एक अर्थ क्या है? डिविनिटी। लाइट का एक अर्थ, अगला लाइट का अर्थ है लाइम लाइट। ये व्यक्ति इस समय थोड़ा ज्यादा छाया हुआ है, अर्थात लाइम लाइट में। ही हैज कम इन टू लाइट।
अर्थात वो इस समय लाइमलाइट में है, बोलबाला हो रहा है इस समय, तो वो भी एक लाइट का और एक अर्थ है, लाइट में अच्छा अच्छा वो थोड़ा दूसरा है। तो बाबा कहते हैं तुमको क्या बनना है, क्या बोला आज, तुमको लाइट बनना है। लाइट अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्तित्व को भी लाइट कहा जाता है जो सेलिब्रिटी है, जो आदर्श उदाहरण है उसे भी लाइट कहा जाता है, और लाइट्स अर्थात ट्रैफिक लाइट को भी लाइट कहा जाता है, टिल द लाइट्स ऑन। तो लाइट के बहुत सारे अर्थ है, कुछ अर्थ तो ये है। तो आज का अभ्यास है एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परमधाम निवासी बन, बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन, विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में अभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन, विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो, क्योंकि आत्मा एक ऐसी है इस समय, आत्मा एक ऐसी है, दुखी है, अंधेरे में जल रही है। कल कहा था शीतल शीतल छींटे दो, तप रही है। अक्टूबर मास में मुरली थी शीतलता की शक्ति, चार प्रकार की आग चारों विश्व में लगी हुई है, याद आ रहा है कुछ नरेश भाई, धुंधला धुंधला सा, अभी दो मास हुए हैं, शीतलता की शक्ति, एक तरफ है विनाश की आग, दूसरी तरफ है विकारों की आग, चौथी तरफ है पश्चाताप की आग, और तीसरी तरफ है देह के लगाव, देह के पदार्थ, देह के संबंधों की लगाव की आग। तो सबसे पहली आग बताई थी विनाश की आग, कैसे शांत करोगे, निर्भयता की शक्ति से, नथिंग न्यू के घुंघरू वो कहेंगे ये गया, और तुम कहोगे अपने मीठे घर अपने मीठे राज्य में गया। दूसरी आग लगाव की आग, कैसे मिटाओगे, एक बाप ही संसार है। अगली आग पश्चाताप की आग, कैसे मिटाओगे, प्राप्ति स्वरूप बन के। उसके बाद में विकारों की आग, कैसे मिटाओगे, आदि अनादि स्वरूप को याद करके उसमें स्थित होके। चार प्रकार की आग बाबा ने कहा ये आग और तेज होने वाली, अगर तुम में आग है तो आग आग को लगाएगी, सेक लगेगी, इसके लिए तुम्हें शीतलता की देवी बनना है और संसार की आत्माओं की आग बुझानी है, पर तुम में जरा भी आग ना हो अंदर। याद आ गई मुरली, अभी अभी चली थी। तो आज क्या कहा है बाबा ने, लाइट हाउस, लाइट हाउस की विशेषताएं, सबसे पहला बहुत ऊंचे स्थान पर रहता है, लाइट हाउस बनना अर्थात बहुत ऊंचे स्थान। विश्व में एक लाइट हाउस था फेरोस नाम का, सिकंदरिया में, अलेक्जेंड्रिया में, वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था 300 मीटर या उससे भी ज्यादा जो उसका बताते हैं, पर बाद में वो नष्ट हो गया भूकंप में। सबसे पुराना लाइट हाउस जिसे कि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता था उस समय, दूसरी शताब्दी में, पर सातवीं आठवीं नौवीं शताब्दी में भूकंप आए उध्वस्त हो गया। परंतु वो जो नाम था फेरोस, आज भी लाइट हाउस की जो स्टडी है, लाइट हाउस का जो अध्ययन करते हैं, उस स्टडी को फेरोलॉजी कहा जाता है, उस नाम से। उर्दू में एक नाम आता है फानूस, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, गीत है ना हमारा एक, तुझे दिल याद करे, फानूस अर्थात लाइट हाउस, फानूस अर्थात प्रकाश, फानूस अर्थात दीपघर। वो शब्द ग्रीक शब्द है फेरोस, जिससे निकला फेरोस का वो दीप स्तंभ था सिकंदरिया में, अलेक्जेंड्रिया में। फेरोलॉजी, फेरोलॉजिस्ट जो लाइट हाउस की स्टडी करते उन्हें कहा जाते, हम भी वही है। तो सबसे पहला बहुत ऊंचाई में
अगर लाइट हाउस बनना है तो मणि भाई क्या करना पड़ेगा? स्थिति कैसी हो? बहुत ऊंची स्थिति हो। इसलिए बाबा ने कहा सबसे ऊंचा संसार में क्या है? परम धाम। कहां से आए हो तुम? मुरलियों में आते हैं ना प्रश्न, बताओ कहां से आए? अच्छा ऑस्ट्रेलिया। कहां से आए? अमेरिका। अब ये बताओ सबसे दूर कौन है? तो बाबा फिर अपनी सबसे दूर कौन आया है? ब्राजील। अच्छा मुरलियों में आता है ना इस तरह के वाक्य, जब भी विदेशी बैठते हैं तो बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, अब बताओ सबसे दूर कौन से दूर से कौन आया? मैं आया हूं। लाइट हाउस अर्थात बहुत ऊंचा। तो बहुत ऊंची स्थिति में स्थित होकर ही दूर दूर तक प्रकाश फैलाया जा सकता है। दूसरा, लाइट हाउस अर्थात पावरफुल। जो लाइट हाउस होगा उसे बहुत शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि लाइट हाउस कहां रहते हैं? दीप स्तंभ, समुद्र के तट पर, नदी के तट पर। उन्हें बहुत पावरफुल होना होगा, नहीं तो टूट फूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तीसरा, लाइट हाउस अर्थात कांस्टेंट, एक रस, कभी कम प्रकाश कभी ज्यादा प्रकाश, ऐसा नहीं, सतत प्रकाश फैलाने वाले, निरंतर प्रकाश फैलाने वाले। और लाइट हाउस क्या करता है? जहाजों को गाइड करता है, मदद करता है, वार्न करता है। क्या वार्न करता है? कि आगे चट्टान है, बच के, क्योंकि रात्रि का प्रवास होता है, रात्रि का सफर होता है, दिखता कहां है कई बार, या फिर कोई नाव भटक गई है, उसको मार्गदर्शन करता है, परंतु बिना जज किए। ये उसके साथ बात ऐड कर दो, दूसरों को मार्गदर्शन करना है। बैठ जाइए, इधर जगह है। दूसरों को मार्गदर्शन देना है, परंतु कैसे? बिना जज किए। तो लाइट हाउस क्या करेगा? गाइड करेगा। लाइट हाउस क्या करेगा? जहाजों को मदद करेगा, क्योंकि लाइट हाउस में लोग तैनात होते हैं, सेवादारी। अगर कोई जहाज डूब रही हो तो कूदेंगे, बचाएंगे लोगों को। उनकी टीम होती है लाइट हाउस की, उसमें जाकर बचाएंगे। वो गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मदद करेंगे और चेतावनी देंगे कि खतर संभालो, सावधान, आगे चट्टान है, आगे खतरा है। तो हमें भी आत्माओं को गाइड करना है। कल की मुरली में था, जब तक तुम शीतला देवी नहीं बनते तब तक देवता नहीं बन सकते, जब तक स्वयं शीतल नहीं बनते दूसरों को शीतल नहीं बना सकते। जिसके अंदर स्वयं प्रकाश भरा हुआ है, आज कहा तुम्हें सबको टीचर बनना है, आज की साकार मुरली। तो गाइड करो, मदद करो और उनको चेताओ, उनको चेताना है कि इस मार्ग से जाओगे तो खतरा है। उसके बाद में लाइट हाउस आशा की किरण है। लाइट हाउस दिखता है तो क्या होता है? आशा जगती है कि अभी हम मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, अभी कोई गाइड करने वाला है। रे ऑफ होप है लाइट हाउस। रे ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट अर्थात हमें कोई सहारा देने वाला आ गया है, हमें अब सहारा मिलने वाला है। हमारी कश्ती तो डूबी की डूबी थी, दिख रही है थोड़ी सी आशाएं जग रही है, कोई संभालेगा, कोई पकड़ेगा हाथ, नहीं तो हम तो गए थे। तो वो काम किसको करना है? इधर वाला या उधर वाला? उधर वाला, पकड़ने वाला और उसको उभारने वाला। तारनहार है इस संसार के हम। तो सहारा बनना है आत्माओं का, ये लाइट हाउस का कर्तव्य है। तो आज सारे दिन भर इसी संकल्प को बार बार लाना है कि मैं कौन हूं,
लाइट हाउस हो, मुझे बहुत सारे कर्तव्य करने हैं। मेरे कर्तव्य है आत्माओं को मार्गदर्शन करना, आत्माओं को प्रकाश देना, आत्माओं को सहयोग देना, आत्माओं को सहारा बनना, आत्माओं में आशा की किरण जगाना, स्वयं शक्तिशाली रहना, स्वयं अचल अडोल रहना। और एक बात, लाइट हाउस अर्थात रिलायबल, रिलायबल अर्थात जिस पर भरोसा किया जा सके, विश्वास रखा जा सके उसके ऊपर, वो है लाइट हाउस। संसार की आत्माएं विश्वास कर सके, ऐसा नहीं कि पहले हम उनको लगे कि इनके पास आते और आने के बाद धोखा मिल जाए और फिर चलो वापस दूसरा ढूंढने के लिए, यहां कुछ मिलने वाला है नहीं। रिलायबल। उसके बाद में लाइट हाउस कैसे स्थानों पर रहता है, खतरनाक स्थानों पर रहता है जहां डेंजर है, ऐसे स्थानों पर ही लाइट हाउस होता है। अर्थात जहां समस्या है, जहां विकट परिस्थितियां है, जहां अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां है, ऐसे ही स्थान पर रहकर लाइट हाउस बनना है। जहां अपवित्रता ही अपवित्रता है, ऐसी अपवित्रता के बीच रहकर पवित्र बन के दिखाना है, यह है लाइट हाउस बनना और आत्माओं के लिए सहारा बनना। तो अपने आप को स्वीकार कराना है अपने मन को कि मैं लाइट हाउस हूं, अर्थात मुझ में प्रकाश भरा है, मैं दीप स्तंभ हूं, प्रकाश स्तंभ हूं। और अपने आप को देखना है वैसे ही प्रकाश स्तंभ जैसे नीचे बना हुआ है शांतिवन, प्रकाश स्तंभ, मैं स्तंभ हूं और लाइट फैल रहा है। ये नया बिलीफ सिस्टम, नई मान्यता, नई अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट, नई इमेजिनेशन, नया विजुअलाइजेशन। अपने मन को स्वीकार कराना है कि मैं ये हूं, तो मन क्या करेगा, धीरे धीरे मान लेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया था। एक प्रोफेसर आए एक दिन स्कूल में, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विश्व भर के वहां जाते हैं, स्टूडेंट से भरा हुआ था वो क्लासरूम, और वो प्रोफेसर अपने साथ एक जार लेकर आए, जार अर्थात भरनी, शीशे वाली भरनी, और सबको कहा कि इस भरनी में अमोनिया गैस है और आज हम एक प्रयोग करेंगे, जैसे ही मैं ये भरनी का ग्लास ढक्कन खोलूंगा, जो जो जहां बैठा है ये पंक्ति आए, जैसे ही गैस की सुगंध तुमको आए तुरंत हाथ खड़ा करना, उससे मुझे ये अंदाजा लगाना है कि गैस को एक एक पंक्ति पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। जैसे पहली पंक्ति के बच्चों को सुगंध आएगी हाथ खड़ा कर देना, दूसरी को आएगी हाथ खड़ा करना, तीसरी को आएगी हाथ खड़ा करना, चौथी को आएगी हाथ खड़ा करना, एक एक पंक्ति। और फिर उसने चालू किया, उसने सबसे पहले ढक्कन खोला और एकदम ऐसे किया पीछे, अमोनिया गैस, भयंकर स्मेल होती है उसकी, जिन्होंने केमिस्ट्री में और लेबोरेटरी में काम किया होगा उन्होंने उसका अनुभव किया होगा अमोनिया गैस की स्मेल कैसी होती। एकदम उसने ऐसे किया, एकदम से पीछे हटा और ऐसे किया, और जैसे उसने किया पहली रो वाले ने तुरंत हाथ खड़ा किया, फिर दूसरे वालों ने, तीसरे वालों ने, चौथे वालों ने, पांचवे वालों ने, फटाफट फटाफट सबने हाथ खड़ा किया, और उसने एकदम ऐसे ऐसे मुंह बनाया खुद प्रोफेसर ने। तो उसने कहा प्रयोग पूरा हुआ, कंक्लूजन इसमें कुछ भी नहीं था पर ये बताने के बाद में भी बच्चों ने कहा पर हमको सुगंध आई, सुगंध या गंध आई, मानने को तैयार नहीं हुए उनमें से कुछ कुछ, वैसे कैसे मान ले सब ने, कि उन्होंने से कुछ ने कहा कि वो गंध हमको आई, किसी ने तो यहां तक कहा कि अब भी आ रही है। जो मन को बताया जाए कि इसमें अमोनिया है वो मान लिया, स्वीकार कर लिया, और फिर उसी अनुसार सब कुछ होने लगा।
उसी अनुसार हुआ भी। मन को स्वीकार करा दो कोई भी बात, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, इस दरवाजे से जाओ कैसे जाऊं, मैं भैंस हूं, मैं जा नहीं सकता, मुश्किल है मेरे लिए जाना। कुछ भी स्वीकार करा दो उसको, वो मान लेगा, क्योंकि जो अवचेतन मन है वो बहस नहीं करता, वो जो अवचेतन मन कभी आर्ग्यू नहीं करता है। अवचेतन मन एक गुलाम की तरह है, अवचेतन मन एक भूमि है। यदि ये अवचेतन मन है गार्डन है, और चेतन मन है वो गार्डनर है, माली है, वो उसमें जो जो बीज डालेगा वो अपने आप उगेगा, वो उसे स्वीकार करते जाएगा। उसे बस स्वीकारो कि तुम ये हो, तुम लाइट हाउस हो, तो लाइट हाउस होते ही वो जैसे ही स्वीकार कर लेगा वो अपने आप कार्य करना चालू हो जाएगा, अपने आप स्थिति ऊपर उठनी चालू हो जाएगी। फिर उसका रस शरीर में नहीं होगा, उसका रस अंधकार में नहीं होगा। आज का है तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम बनना है, बाप आए हैं तुम्हें ट्रांसफर करने। तो मैं कौन हूं? लाइट हाउस हूं। लाइट हाउस के सारे कर्तव्य याद करने, लाइट हाउस कहां होता है, लाइट हाउस कैसा होता है, लाइट हाउस क्या करता है, और सबसे मुख्य बात, लाइट हाउस सक्रिय कब होता है? रात को। सक्रिय कब होता है? रात में, जबकि अंधकार होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और लाइट हाउस बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका कर्तव्य है राह दिखाना। इसके लिए खुद जो भटका है वो दूसरों को राह नहीं दिखा सकता, खुद ही जो अंधकार में है वो दूसरों को प्रकाश का मार्ग कैसे दिखा, खुद ही जो विकारों से लड़ रहा है वो दूसरों को निर्विकारी कैसे बनाएगा, खुद ही जो ब्रह्मचर्य में लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाते कदम दूसरों को स्थिर कैसे करेंगे, जो स्वयं अचल अडोल है, जो स्वयं स्थिर है, केवल वही। और एक गुण है लाइट हाउस में, सहन शक्ति। नदी की जो धारा है, सागर की जो लहरें है, टकराती है उससे, सहन करते रहते हैं। सूरज रे जलते रहना, तुझे सहन बहुत करना पड़ेगा इस मार्ग में। तो और एक चीज, जो लाइट हाउस होता है वो सबको प्रकाश फैलाता है, कोई उसमें पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ये वीआईपी ये कम वीआईपी, ये पढ़ा लिखा ये कम पढ़ा लिखा, इसको कम दूंगा इसको थोड़ी ज्यादा दूंगा, इसको ज्यादा दूंगा तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा होगा मेरा, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ये मीडिया वाला लग रहा है, इसमें थोड़ा इंप्रेशन करो तो न्यूज़पेपर में डाल देगा हमारा, अच्छा अच्छा ये तो अनपढ़ है, इसका क्या फायदा, टाइम वेस्ट, कोई दूसरा सिखा दो इसको थोड़ा ज्ञान योग। हम तो किसको बताएंगे? बड़े बड़े को। कोई पक्षपात नहीं, समभाव, समदृष्टि। तो इतनी सारी बातें है लाइट हाउस की। तो आज कहा बाबा ने, एक सेकंड में ये काम करना है, पर एक सेकंड में स्थित हो जाना है मैं लाइट हाउस हूं। जिन्होंने लाइट हाउस देखा नहीं होगा वो आज जाके चित्र देख लेना लाइट हाउस का, कैसे दिखता है लाइट हाउस। पहले जमाने में बहुत अलग अलग प्रयोग किए जाते थे, पहले जमाने में आग जलाते थे, अभी सब विद्युत से, इलेक्ट्रिक से, पहले कुछ और प्रकार थे प्रयोग किए जाते थे, अभी कुछ और। और लाइट हाउस की अवधारणा बहुत पुरानी है, द्वापर युग की शुरुआत से, तभी से लोगों ने इसके बारे में सोचा और अलग 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 प्रकार के लाइट हाउस बनाने चालू किए, फिर धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करते गए। वर्तमान जो लाइट हाउस है 19th सेंचुरी के, वो 19th सेंचुरी से चालू हुआ, पर जैसे कहा फानोस नाम का जो लाइट हाउस था, जो कि 7वें अजूबों में से एक था उस समय के, वो एक अलग था, फिर वो खो गया, फिर बना नहीं बहुत समय तक,
फिर अभी भी बनने चालू हुए। अभी तो बहुत सारे, अगर भारत के लाइट हाउस देखो, आज भी भारत में 3-4 ऐसे फेमस लाइट हाउस है। बेंगलोर में है शायद एक, विशाखापट्टनम, 3-4 जगह है, उड़पी, तो 2-3 जगह ऐसे बड़े बड़े लाइट हाउस है। तो बाबा कह रहे हैं एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो, तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर आत्माओं को, सर्व आत्माओं को क्या दो? लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। आत्माएं शक्तिहीन है, बलहीन है, दुर्बल है, बहुत पावर ही नहीं है। समझ में आता है ये करना चाहिए, पर पावर कहां है? ये मार्ग इतना आसान नहीं है, प्लीज हर एक कर सके। उनके पास पावर चाहिए, दुर्योधन सी अवस्था है, जिसको समझ में तो आता है धर्म क्या अधर्म क्या है, नीति क्या अनीति क्या, जिसको पता तो है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर हे गोविंद मैं क्या करूं, मुझ में शक्ति नहीं है। क्या चोर को पता नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए? कौन सा ऐसा चोर है जो दुनिया में बताओ कि जिसे पता नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए? हर एक को पता है, वो तो भाषण भी दे सकता है चोरी के नुकसान, क्या क्या चोरी करने के नुकसान, पर वो खुद छूटा नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल ज्ञान की बात नहीं है, शक्ति की बात है। पावर चाहिए ना, पावर, स्पिरिचुअल पावर, और वो पावर संसार में कहीं से नहीं मिलेगी, एक ही स्रोत है परमात्मा, उसी से वो शक्ति आएगी, और जो उसी को नहीं जानते शक्ति कहां से आएगी। तो ये आज की ड्रिल है, तो आज कितनी बार करेंगे? एक एक घंटे में एक बार, या एक एक घंटे में कई बार? अगर 2-3 घंटा बीच में छूट गया तो फिर बैठ के अलग से, और एक केवल बैठ के नहीं करना है, चलते चलते करना है, चलते फिरते करना है, निरंतर होती रहे। लाइट हाउस हो, लाइट फैल रही है, लाइट हाउस हो, लाइट फैल रही है, प्रकाश फैल रही है, रोशनी फैल रही है, करंट फैल रही है, ज्ञान फैल रहा है, समझ फैल रही है, चारों ओर शक्तियां फैल रही है। लाइट अर्थात शक्ति भी, लाइट अर्थात शक्ति, मुझ आत्मा से चहु और शक्तियां फैल रही है। तो अभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे और इसी ड्रिल को करेंगे।